नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल गुरुकुल योग मंत्र में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं डायबिटीज के बारे में। तो इस वीडियो को मैंने चार भाग में विभाजित किया है। सबसे पहले हम जानेंगे डायबिटीज क्या होती है, इसका कारण क्या है और इसके लक्षण कौन कौन से हैं, और योग और आहार के द्वारा हम इसको कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। तो देखिए, आपकी भागदौड़ भरी जिंदगी में अनियमित जीवन शैली के चलते जो बीमारी सबसे ज्यादा लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रही है वो है डायबिटीज। इस बीमारी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यह शरीर में अन्य कई बीमारियों को भी निमंत्रण देती है, जैसे आंखों में दिक्कत होना, किडनी और लीवर और पैरों में दिक्कत होना आम बात है। पहले यह बीमारी 40 की उम्र के बाद ही होती थी, लेकिन वर्तमान में है बच्चों को भी अपनी गिरफ्त में ले रही है, यानी छोटे छोटे बच्चे भी अब डायबिटीज के शिकार होने लगे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि डायबिटीज कहते किसको है। तो देखिए, जब हमारे शरीर के पेनक्रियाज में इंसुलिन का पहुंचना कम हो जाता है तो खून में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है, इस स्थिति को हम कहते हैं डायबिटीज। इंसुलिन एक हार्मोन है जो पाचक ग्रंथि द्वारा बनता है। इसका काम शरीर के अंदर भोजन को ऊर्जा में बदलने का होता है। यह एक हार्मोन है जो शरीर में शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है। डायबिटीज हो जाने पर शरीर को भोजन से ऊर्जा बनाने में कठिनाई होती है। इस स्थिति में ग्लूकोज का बढ़ा हुआ लेवल शरीर के दूसरे अंगों को नुकसान पहुंचाता है। तो चलिए अब जानते हैं हम डायबिटीज के कारण कौन कौन से हैं। देखिए, ज्यादा मीठा खाने से शरीर में ब्लड शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। शारीरिक श्रम का अभाव, नींद पूरी नहीं होने से आपका यदि वजन बढ़ा हुआ है तो भी डायबिटीज का एक बहुत बड़ा कारण है। अनहेल्दी फूड खाने से भी, जंक फूड खाने से भी डायबिटीज आपको हो सकती है। यदि आपके शरीर में पानी की मात्रा कम है, यानी डिहाइड्रेशन की आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो ये भी एक बड़ा कारण है। और सबसे बड़ा जो मेन कारण है डायबिटीज का आज के समय में, वो है स्ट्रेस। यानी आपके जीवन में यदि तनाव है तो डायबिटीज आने के पूरे पूरे चांसेस आपके शरीर में रहते हैं। तो अब चलिए जानते हैं डायबिटीज के लक्षण कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपको प्यास ज्यादा लग सकती है, आपकी आंखों की रोशनी कम हो सकती है, बार बार आपको मूत्र विसर्जन यानी पेशाब के लिए जाना पड़ सकता है, और जो कई बार फोड़े फुंसियां होती है या शरीर के जो घाव है वो हमारे डायबिटीज के कारण नहीं भर पाते, और चिड़चिड़ापन आना स्वाभाविक है, चक्कर भी कई बार आ जाते हैं इसके अंदर से। और इन लक्षणों में से यदि हम कहें तो यदि ये लक्षण हमें दिखने लग जाए अपनी बॉडी के अंदर तो हमें ये एज ए अलार्म यानी अलर्ट हो जाना चाहिए अपने आप को। तो चलिए अब जानते हैं इसका योग और आहार के द्वारा हम कैसे इसको नियंत्रित कर सकते हैं, कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखिए, कई लोगों ने आपको डायबिटीज से बचने के उपाय और सुझाव दिए होंगे, लेकिन आपको मैं बता दूं कि डायबिटीज को बेहतर जीवन शैली, खान पान और योग और आहार के कंट्रोल रखने से ही इसको डायबिटीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं। यानी नियमित एक्सरसाइज करेंगे तो भी डायबिटीज को कंट्रोल किया जा सकता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप योग करो, आप वॉक भी कर सकते हो या ब्रिस्क वॉक भी कर सकते हो तो भी आपकी डायबिटीज नियंत्रण में रह सकती है। आप नियमित रूप से 3 किलोमीटर का चलने की प्रैक्टिस कीजिए, आपकी डायबिटीज नेचुरली हो जाएगी। लेकिन इसमें क्या रूटीन की रिक्वायरमेंट है, हम ये सब चीजें रूटीन से नहीं कर सकते करते हैं। अब कई बार जैसे ऑफिस में हम जा रहे हैं तो हम बार बार लिफ्ट का यूज करते हैं, ऐसा नहीं करें। हम किसी अपार्टमेंट में रहते हैं तो भी हम सीढ़ियों के बजाय लिफ्ट का उपयोग करते हैं, ये भी हमें नहीं करना चाहिए। तंबाकू और शराब का जो सेवन आप बिल्कुल कम कर दें, यदि छोड़ देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और तनाव को कम करने के लिए आप ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। मेरा ध्यान के मैंने 2-3 वीडियो बना रखे हैं, आप उनको देख के आप प्रैक्टिस कीजिए ध्यान की। यदि ध्यान करेंगे तो भी आपका मेंटल जो स्ट्रेस है वो दूर होगा। और मैंने बताया कि जैसा कि स्ट्रेस सबसे बड़ा इसका रीजन है, तो तनाव को आप ध्यान के माध्यम से, योग निद्रा के माध्यम से कम कर सकते हैं, या संगीत जो आपको अच्छा लगे वो संगीत आप सुनिए। आप डांस की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। देखिए, हंसने की बात नहीं है, आप यदि नियमित रूप से डांस करेंगे तो एक तो सबसे पहले आपकी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन ठीक होगा, कैलोरी भी बर्न होगी और आपका मूड भी बिल्कुल ठीक रहने वाला है। आप गेहूं की रोटी के बजाय आप बेजड़ की रोटी खाइए। बेजड़ की रोटी में क्या क्या, जैसे गेहूं हुआ, चना हुआ, जो हुआ, इसको आप काम में लेके आप बेजड़ का आटा बनाइए और उसकी रोटी आप रूटीन से खाइए। अब खाने के अंदर करेला लीजिए, आप सहजन की फली ले सकते हैं, मेथी ले सकते हैं, तुरई, पालक, शलगम, बैंगन, परवल, लौकी, ब्रोकली आप ले सकते हैं। यदि इन चीजों का आप सेवन करेंगे तो आप अपनी डायबिटीज को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। फलों में जैसे आप जामुन ले सकते हैं, नींबू का सेवन कीजिए, आंवला, टमाटर,
पपीता हुआ, खरबूजा, अमरूद और संतरा, मौसमी, जायफल, नाशपति, आप इन फ्रूट्स को अपने खाने में इस्तेमाल कीजिए। और ध्यान रखें, जूस पीने के बजाय यदि आप ताजा फल खाएंगे, छील कर खाएंगे, काट कर खाएंगे, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। एक दाना मेथी डायबिटीज में बहुत उपयोगी है। रात को 2 चम्मच दाना मेथी आप एक सिकोरे में और एक या कांच के ग्लास में भिगो के रखिए, सुबह छान करके उस पानी को पीजिए। आप दाना मेथी भी खा सकते हैं, आप चाहें तो इस पानी को गर्म भी कर सकते हैं, गर्म के भी इसको लिया जा सकता है। आप अपने खाने के अंदर लहसुन, प्याज, अंकुरित दालें, सत्तू और बाजरा आदि शामिल कर सकते हैं। और देखिए, यदि आप चावल का नियमित रूप से सेवन करते हैं तो ध्यान रखिए ये चावल आपके पॉलिश नहीं होने चाहिए, अनपॉलिश्ड चावल आप यूज में करें। जो जामुन है, सीजन में आप जामुन खाइए, लेकिन जिस सीजन में जामुन नहीं है उस समय आप क्या करें, इनकी गुठलियों का एक पाउडर बना लें और सुबह 1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ ले लेंगे। डायबिटीज बहुत ज्यादा है तो शाम को भी 1 चम्मच लिया जा सकता है। आप करेला ले सकते हैं, करेले को सलाद सूप के रूप में ले सकते हैं, ठीक है। और रिफाइंड ऑयल की जगह ध्यान रखें आप कच्ची घानी वाला तेल ही यूज करें, ये ध्यान रखें। और देखिए, कुछ ये तो बात हुई कुछ खाने पीने की, अब हम जानें कि कौन सा ऐसा योग करें, कौन सा ऐसा प्राणायाम करें या कौन सा ऐसा एक्यूप्रेशर का पॉइंट हम प्रेस करें जिससे हम हमारी डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए आइए योग की शरण में चलते हैं। चलिए योग में सबसे पहले हम कपालभाति का अभ्यास करते हैं। इसको करना कैसे है, दोनों नोस्टल से फोर्सफुली श्वास को आपको बाहर निकालना है और पेट को अंदर करना है। किस तरह से देखिए एक बार, डू नॉट इनहेल, इनहेलेशन शुड बी ऑटोमेटिक, यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर एक्सहेलिंग पोर्शन ओनली, यानी श्वास को छोड़ने में हमें ध्यान लगाना है। जो स्वाभाविक श्वास आ रहा है उसे आने देंगे, लेकिन हमें कॉन्सेंट्रेट करना है श्वास को बाहर छोड़ना, यानी दो ही चीज होगी इसमें, श्वास बाहर और पेट अंदर की तरफ। एक बार फिर से देखेंगे, द स्ट्रोक शुड बी कंप्लीटेड, जल्दबाजी नहीं करेंगे क्योंकि ये डायबिटीज में बहुत ही उपयोगी है, शुद्धि क्रिया है कपालभाति, ये बहुत उपयोगी है। इसलिए इसको एक एक स्ट्रोक को पूरा करेंगे तो हमारे जो पेट के इंटरनल ऑर्गन्स है उनकी बहुत अच्छी मसाज होगी इसकी प्रैक्टिस से। एक बार फिर से, और जो स्ट्रोक्स आप लगाएं उसमें ग्रिदम एक ताल बनाए रखें। तो इस कपालभाति का अभ्यास आप 5 से 10 मिनट इसका अभ्यास रूटीन से इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इससे आपका डाइजेशन भी ठीक रहेगा, आपके पेट के लिए तो रामबाण दवाई है और डायबिटीज में भी बहुत ज्यादा उपयोगी है। चलिए अब बात करते हैं हम आसनों की। तो आसन के लिए मैं तन्मय को बुलाना चाहूंगा। तन्मय आइए प्लीज, आप आसन करें, बैठ जाए तन्मय। सबसे पहले हम करेंगे पश्चिम उत्तानासन का अभ्यास इसमें, तो दोनों पैर खोल के बैठ जाएं, दोनों पैर आपके इस तरह से खुले रहेंगे, बैक आपकी बिल्कुल सीधी, यानी रीढ़ की हड्डी आपकी बिल्कुल सीधी रहेगी। अब दोनों हाथों को श्वास लेते हुए ऊपर उठाएंगे और श्वास को पूरा बाहर छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे। दोनों हाथों से पहले पैर के अंगूठे पकड़ने की कोशिश करेंगे, पैर के अंगूठे पकड़ में आ जाएं तो थोड़ा और आगे झुकेंगे। अब फोरहेड को नीज के आगे की तरफ लगाते हुए इस तरह से फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे, कुछ सेकंड्स होल्ड करेंगे इसी पोजीशन में और बिल्कुल धीरे धीरे श्वास लेते हुए वापस हाथों को ऊपर उठाना है इसमें और साइड से नीचे लेकर आएंगे। देखिए इसमें आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, कमर आपकी बिल्कुल सीधी रहेगी इसमें, ठीक है। आपको श्वास लेते हुए हाथ को ऊपर उठाना है, उठाएं तन्मय, और श्वास को पूरा बाहर छोड़ते हुए देखिए इस तरह से आगे झुकना है, यानी आपका जो स्टमक है वो पूरा प्रेशर जा रहा है। देखिए पूरा आंखें कोमलता से बंद रखते हुए फेस मसल्स को रिलैक्स कर देंगे इस तरह, कुछ सेकेंड्स होल्ड करना है। ये डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा आसन है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा आसन है। बिल्कुल धीरे धीरे श्वास लेते हुए वापस हाथों को ऊपर उठा लें और साइड से नीचे कर लें। यह है पश्चिम उत्तानासन जो कि डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा आसन है।
चलिए अब अगला आसन करते हैं, हम अर्ध मत्स्येंद्र आसन का अभ्यास करेंगे। देखिए अर्ध मत्स्येंद्र आसन के लिए दोनों पैरों को इस तरह से सामने खोलेंगे। अब एक पैर को घुटने से मोड़ के दूसरे पैर के नीचे की तरफ ले जाएंगे और दूसरे पैर को भी घुटने से मोड़ते हुए इस तरह से पैर के पंजे को थोड़ा सा घुटने के आगे रखेंगे, ठीक है। अब एक हाथ ऊपर उठेगा और दूसरे हाथ को बैंड करते हुए इस तरह से थाइस का पूरा प्रेशर पेट की तरफ बन रहा है, देखिए इसमें ये हाथ इससे पकड़ लेना है पैरों को और दूसरा हाथ कमर के पीछे लगा लेंगे इस तरह से, और आपको श्वास को पूरा बाहर छोड़ते हुए दोनों कंधे एक सीध में, देखिए पूरा ये ट्विस्टिंग हो रही है यहाँ पे और स्टमक पे प्रेशर जा रहा है। हमारी जो पेनक्रियाज है भाई, डायबिटीज के अंदर होता क्या है, आपकी पेनक्रियाज को ऐसे आसन करने जिससे आपकी पेनक्रियाज एक्टिवेट हो, कुछ सेकंड्स होल्ड करेंगे और बिल्कुल धीरे धीरे वापस हाथ को पहले स्ट्रेट सीधा और इस हाथ को भी रिलैक्स कर देंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब दूसरी तरफ से देखें इस आसन को, दूसरी तरफ से भी करेंगे। पैर का पंजा घुटने से बिल्कुल हल्का सा आगे, ठीक है। यदि आपको स्टार्टिंग में नहीं प्रॉपर आपसे हो तो आप थोड़ा सा पैर और आगे शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। यस, वापस से करें, अपोजिट हैंड से करना है। देखिए इस तरह से ये थाइस का पूरा प्रेशर पेट की तरफ बन रहा है और ये हाथ कमर के पीछे ले जाते हुए गर्दन को इस तरफ देखना है, यानी शोल्डर एक सीध में करते हुए आपके थाइस का पूरा प्रेशर देखिए पेट पे जा रहा है। बहुत अच्छा आसन है डायबिटीज के लिए, अर्ध मत्स्येंद्र आसन को बोलते हैं। वेरी गुड, इस आसन की भी आप दो दो आवृत्ति दोहरा सकते हैं। रिलैक्स करें, कुछ सेकंड होल्ड करना है और सब आसनों में कोशिश करें एटलीस्ट 10 सेकंड तक आप होल्ड रखें, क्योंकि आसन का पूरा फायदा हमें तभी मिलता है जब हम किसी आसन में अपने आप को होल्ड रखते हैं फाइनल पोजीशन में। चलिए अब करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आसन जो कि डायबिटीज के लिए रामबाण दवाई का काम करता है, वो है मंडूकासन। मंडूकासन के लिए दोनों पैर इस तरह से खोलेंगे पहले। अब एक एक पैर को घुटने से मोड़ते हुए वज्रासन की पोजीशन में आएंगे। रीढ़ की हड्डी आपकी बिल्कुल सीधी रहेगी। अब अंगूठा अंदर रखते मुट्ठी बना लें, दोनों मुट्ठियों को नाभि के सामने की तरफ रखेंगे। देखिए इसमें करना क्या है, ये जो आपकी ये छोटी उंगली है बैंड करें इस तरह से, अंगूठी ये जो मुट्ठी अंगूठे वाली साइड है आपको नेवल के इस तरफ रखना है, दोनों अंगूठे वाली साइड को। देखिए छोटी उंगली जो है ये बाहर की तरफ है, ध्यान रखें क्योंकि इसमें पोस्चर का बड़ा विशेष महत्व है। आपकी पेनक्रियास तभी एक्टिव होगी जब आपने प्रॉपर रूप से यहाँ अपना हाथ रखा है, ठीक है। अब नेवल के आसपास ही रखेंगे इस तरह से, नेवल के नीचे की तरफ हल्का सा। आपको श्वास लेना है, श्वास को बाहर निकाल के पूरा पेट अंदर कर लें, पेट अंदर कर लें और फिर धीरे धीरे आगे की ओर झुकें। वेरी गुड, इस तरह से एल्बोज को रिलैक्स कर देना है, यानी पूरा प्रेशर आपकी नेवल वाली साइड में पेनक्रियास को एक्टिवेट करना है। दृष्टि आप इस तरह से रखनी है, इसमें कुछ सेकंड्स होल्ड करना है, यानी पूरा प्रेशर नेवल के ऊपर जा रहा है आपका। कुछ सेकंड्स होल्ड करने के बाद धीरे धीरे श्वास लेते हुए वापस आना ऊपर की तरफ। वेरी गुड, एक बार फिर से देखिए इस आसन को, अंगूठा अंदर रखते हुए मुट्ठी बना लिया आपने इस तरह से, दोनों मुट्ठियों को नाभि के साइड में रखा है इस तरह से, पूरा श्वास भरना है, श्वास को बाहर निकाल के पेट को जितना अंदर कर सकते हैं आप कीजिए और फिर धीरे धीरे आगे की ओर झुकना है। कुछ सेकंड्स होल्ड करना है और ये एल्बोज को दोनों रिलैक्स कर देना है, दोनों एल्बोज आपके रिलैक्स रहेंगे इसमें, यानी पूरा प्रेशर आपके नेवल वाली साइड पे जाएगा। अब धीरे धीरे श्वास लेते हुए वापस ऊपर। अब देखिए थर्ड टाइम में आपको क्या करना है, अपनी लेफ्ट नीचे और राइट ऊपर हथेली को, बाई हथेली नीचे और दाहिनी ऊपर इस तरह से रखते हुए एक बार थर्ड टाइम में अपन ऐसे प्रैक्टिस करेंगे। इसकी वही श्वास का प्रोसेस रहेगा, श्वास लेना है, श्वास को बाहर निकालते हुए पेट अंदर और फिर आगे झुकना है और चेहरे पे कोमलता सहजता का भाव रखें, चेहरे पे परेशानी नहीं दिखनी चाहिए, टेंशन नहीं दिखनी चाहिए, बिल्कुल कूल सहज भाव से, क्योंकि आसनों का अभ्यास हम सहज भाव से करते हैं। वेरी गुड, आसन का पूरा बेनिफिट भी अभी तभी मिलता है तब हम बिल्कुल सहज तरीके से आसन का अभ्यास करते हैं। धीरे धीरे वापस श्वास लेते हुए हाथ ऊपर। वेरी गुड, ये हो गया आपका मंडूकासन।
चलिए अब एक लेट के आसन भी बता दें जो कि बहुत उपयोगी है, उसको पवन मुक्त आसन कहते हैं, पर वो भी आप देख लीजिए कैसे करना है इसको। पेट के बल लेट जाएं तन्मय, ये भी डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा आसन है जिसको हम पवन मुक्त आसन बोलते हैं। इसमें सबसे पहले हम एक पैर को घुटने से मोड़ेंगे और दोनों हाथों से फिंगर लॉक बनाते हुए घुटने के आगे लेकर आएंगे। श्वास को पूरा बाहर निकालते हुए थाइस का पूरा प्रेशर पेट की तरफ बनाया और फिर ऊपर से सिर को ऊपर उठाते हुए फोरहेड, चिन या नॉस्ट्रिल्स को आप लगा सकते हैं और प्रेशर दें थाइस का अंदर की तरफ। तन्मय चिन भी लगाएं एक बार, वेरी गुड। आप इस तरह से भी कर सकते हैं यदि फ्लेक्सिबिलिटी आपकी अच्छी है तो। देखिए इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें भी आपका थाइस का प्रेशर पूरा पेट की तरफ जा रहा है, ठीक है। चलिए रिलैक्स करें, एक बार बदल बदल के करें, दूसरे पैर से भी करें। इसमें श्वास का ध्यान रखें, श्वास को लेते हुए आपको नीज बेंड करना है। अब श्वास को पूरा बाहर छोड़ते हुए थाइस का प्रेशर पेट की ओर बनाना है और फिर ऊपर से सिर उठाते हुए या तो फोरहेड, ठुड्डी या नाक को लगाना है। चिन को लगा लें, वेरी गुड। रिलैक्स करें, 10 सेकंड तक एटलीस्ट होल्ड करेंगे। अब पैर सीधा कर लें, अब दोनों पैरों से एक साथ देख लें, दोनों पैरों को बेंड कर लें, दोनों पैर बेंड करके करें। चिन लगा लें, थोड़ा सा होल्ड करें इसी पोजीशन में। फाइनल पोजीशन में आपको आसन का पूरा फायदा यदि लेना है तो फाइनल पोजीशन में होल्ड रखें, बिल्कुल धीरे से वापस आ जाएं। वेरी गुड, पहले सिर जमीन पे और फिर दोनों पैरों को बिल्कुल धीरे से सीधा कर लें। इस आसन की आवृत्ति भी आपको 3 बार दोहराना है इसको भी। चलिए धीरे से करवट लेके बैठ जाइए। अब एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस और करने जा रहे हैं हम, जिसको अपन अग्निसार क्रिया बोलते हैं। यह है बहुत ज्यादा उपयोगी है इस डायबिटीज के अंदर। इसमें आपको खड़ा होना होगा, खड़े होके देखिए इसमें करना क्या है इसको। इस तरह से ये खड़े हो जाएं, इस तरह से पीछे हो जाएं, थोड़ा सा खड़े होके आप बैंड कर लें बॉडी को, नीज को बैंड करते हुए नीज बैंड करें और बैक को स्ट्रेट रखें। वेरी गुड, इस तरह से। इसमें करना क्या है, दोनों हथेली का प्रेशर पूरा थाइस के ऊपर अपन ने बना लिया, नीज से ऊपर की तरफ। अब करना क्या है, श्वास लेना है, श्वास को बाहर निकालना है, हल्का सा रोकना है श्वास को और श्वास को रोकी पोजिशन में पेट को अंदर बाहर करना है, यानी अग्निसार क्रिया करना है। देखिए, यस, वेरी गुड। रिलैक्स करें थोड़ा सा, रिलैक्स करें, थोड़ा सा साइड में हो जाए। एक बार मैं भी करके दिखा देता हूं, हो सकता है इसमें प्रॉपर आपको नहीं दिखे लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूं मैं। देखिए श्वास का प्रोसीजर, आई थिंक कुछ समझ में आया होगा आपको। इसमें करना क्या है, देखिए फर्स्ट एक लॉन्ग एंड डीप ब्रीथ इन, then fully outside, then hold the breath outside, then with the holding position of the breath do your stomach inside outside, inside outside, yani swaas liya bahar nikala, halka sa swaas ko roka aur swaas ko roki position mein pet ko andar bahar karna. ek bar fir se dekhiye, ye posture rahega, isko karte samay hatheli ka pura pressure thighs ke upar bana ke rakhna hai, theek hai. swaas liya, इस तरह से ये अग्निसार क्रिया डायबिटीज में बहुत उपयोगी है। सिट प्रॉपरली, डायबिटीज में बहुत उपयोगी है ये अग्निसार क्रिया। तो हो सकता है देखिए शुरुआत में आपसे 2 या 5 बार पंपिंग हो, 6 बार पंपिंग हो, 10 बार हो, लेकिन जब आप रूटीन से इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये 15 से 20 या 20 से 25 बार एक पंपिंग होने लगेगी। और जब ये चीज होने लगी तो जिनके लोअर एब्डोमेन पे एक्स्ट्रा फैट है उनके लिए दी बेस्ट है, और डायबिटीज में बहुत उपयोगी है ये अग्निसार क्रिया का अभ्यास। तो चलिए अंत में अब एक एक्यूप्रेशर का पॉइंट और मैं बता देता हूं। इसमें करना क्या है, देखिए ये आपका हथेली है आपकी, और इस हथेली में अंगूठे वाली साइड में एक ही लाइन है, देखिए ये
एक लाइन है, इस लाइन के अंदर अंदर आपको क्या करना है, ये बेस्ट एक्यूप्रेशर का पॉइंट है डायबिटीज के लिए। आपको चारों उंगलियों को इस लाइन के अंदर अंदर लगाना है और एज ए सपोर्ट इस हाथ को पीछे रखना है। तो ये प्रेशर दिया, 10 सेकंड तक होल्ड किया, देन रिलैक्स, फिर प्रेशर दिया, 10 सेकंड तक होल्ड किया, फिर रिलैक्स। इस तरह से इस हाथ में भी, ये देखिए अंगूठे वाली साइड, ये लाइन सबके है यहां पे, इस ऊपरी हुए स्थान पर चारों उंगलियां इस लाइन के अंदर अंदर रहेगी और एज ए सपोर्ट इसको पीछे रखना है। प्रेशर आपके यहां लगेगा, ध्यान रखें, ये पूरा प्रेशर दिया, होल्ड किया 10 सेकंड, देन रिलैक्स, फिर 10 सेकंड प्रेशर दिया, होल्ड किया, देन रिलैक्स। तो एक्यूप्रेशर का पॉइंट दिन में 2-3 बार दबाएं, लेकिन जस्ट खाना खाने के बाद में एक्यूप्रेशर पॉइंट बिल्कुल भी नहीं दबाएं। तो आपको जो चीजें बताई, जैसे आपको प्राणायाम का प्रैक्टिस बताई, आपको योगासन का अभ्यास बताया और आपको आहार के बारे में बताया गया कि किस तरह से हमें आहार लेना चाहिए, खान पान में क्या बदलाव करना चाहिए। देखिए डायबिटीज जो है, ऐसा नहीं कि एक बार डायबिटीज शरीर में आएगी तो जाएगी नहीं, वो सब कुछ पॉसिबल है, बशर्ते डिपेंड है आपके ऊपर कि आप कितनी सहज मात्रा में सब चीजों को करते हैं, आहार किस तरह का है, अपनी जीवन शैली को सुधार लें लाइफ में, यानी जीवन में तनाव को थोड़ा सा कम कर लेंगे या समूल नष्ट कर देंगे तो आपकी डायबिटीज बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बशर्ते आपको अपने आप को एक दृढ़ निश्चय करना है कि मुझे मेरी डायबिटीज को कंट्रोल रखना है, मुझे मेरी डायबिटीज को समूल नष्ट करना है। यदि आपने ये सोच लिया तो डेफिनेटली आप डायबिटीज को क्योर कर पाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।